guys, welcome back. Well, hi guys, this is Prince. Welcome back to Mr. and Mrs. Prince. And I'm Mrs. Prince. और हाँ, रेखा वर्सेस प्रिंस पे जो वीडियो अपलोड की थी जहाँ पे स्पाइसी मैगी नूडल चैलेंज हमने किया था, लोग बोल रहे हैं कि अगली बार स्पाइसी चैलेंज मत करो, अगली बार मीठा चैलेंज करो. मीठा, रियली मीठा चैलेंज. मेरी मुराद सुन ली. आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहो, इसी तरह मुझे मोटा करते रहो. अभी तो कर रहे हैं, तुम मीठा खा सकती हो. इतना भी मीठा नहीं खा सकती तो मैं मीठा चैलेंज नहीं करूंगी. और हाँ, वो वीडियो वापस आ गई थी लास्ट व्लॉग में, तो हमने बोला था वो वीडियो गई थी और कुछ टाइम बाद फिर वो वापस आ गई थी. थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए. अभी वीडियो अपलोड की थी और आप लोग के कॉमेंट्स ही पढ़ रहे थे हम लोग. सो वंस अगेन थैंक यू, लव यू. तो आज हम बहुत सारा काम करने वाले हैं. गाइस बताओ क्लैरिटी कैसी है. ये मेरे नए फोन की क्लैरिटी है. सो गाइस दिस इज आउटफिट ऑफ द डे. ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ लेकिन इसके पीछे की छोटी सी स्टोरी बताऊंगी जो आप लोगों ने कमेंट किया था. पहले तो इसमें पॉकेट है, नेल पेंट लगाया तो दोनों पॉकेट में हाथ ही डाल सकती हूँ. ये ब्लैक ड्रेस है, पोल्का डॉट के साथ है. और जब पहले लास्ट ब्लॉग में पहना था तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दीदी ने ब्लैक ड्रेस विद पोल्का डॉट पहना है, अब तो पक्का गुड न्यूज देंगी. बताइए क्यों बोला बहुत सारे लोगों ने. पोल्का डॉट मतलब इसको पोल्का डॉट ही बोलेंगे क्योंकि अनुष्का शर्मा और 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 तो कोई क्रिकेटर की वाइफ थी शायद हार्दिक पांड्या, आई डोंट नो, सॉरी गाइस मैं नाम भूल गई. तो ऐसे दो तीन खबरें आई थी जिसमें लोग रिवील कर रहे थे कि वो प्रेग्नेंट है और उन्होंने सेम ड्रेस पहनी हुई थी. सेम तो तुमने भी इसलिए पहनी है. लेकिन लोग कह रहे थे दीदी ने पहनी है, दीदी पक्का गुड न्यूज देंगी. तो चलो अगर ड्रेस पहनने से ऐसा होता है तो वो दिन जल्दी आ जाए कि मैं आपको गुड न्यूज दे पाऊँ. बस मुझे यही बोलना था. बाकी मैं दिखाती हूँ आउटफिट ऑफ द डे ऑफ प्रिंस. प्रिंस बहुत स्मार्ट लग रहे हैं प्लस बहुत गरीबों वाले. फटी हुई जींस, इतनी फटी जींस के घुटना बाहर को निकल रहा है. असली गरीब तो तुम ही हो यार. ये ऐसा ऐसा कौन पहनता है. हम पहनते हैं. लेकिन तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो बाबू. आज क्या है, वैलेंटाइन डे? नहीं, आई लव यू. नहीं, रेड पेन. वार्डरोब में सारे कपड़े निकाल के उसे अच्छी तरह तय बना के लगाऊंगा क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं. वार्डरोब छोटा पड़ गया है तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर दबे पड़े हैं. पूरा निकाल के डेकोरेट करते हैं अच्छी तरह से. हाँ ठीक है, ये खोलो. अब से गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत मैसी. अभी प्रिंस ये कब निकालने वाले हो? आज निकालना ही है. ठीक है तो ये कपड़े छोड़ो, ये वार्डरोब हम देखते हैं क्या है इसमें. तो इस तरफ मेरे कपड़े क्या है इसमें? गाइस ये अभी इतना सजा हुआ नहीं है, इसको भी बंद करते हैं. ठीक है, इसके लिए मैं सोच रही हूँ मैं इसको अच्छे से सजाती हूँ और इसकी वीडियो अलग से आपको दिखाऊंगी. मैडम धागे खुल जाएंगे आपके दिमाग के. इतने सारे ड्रेसेस दिखाऊं क्या? दिखा दूं? दिखाओ. खोलते गिरने लग जाए. ये देखो प्रिंस के कपड़े. गाइस देखो प्रिंस के कपड़े, ये अपने कपड़े ऐसे रखते हैं. ये मैं अपने कपड़े कितने अच्छे से हैंगर में रखती हूँ और ये अपने कपड़े सही से भी नहीं रखते. ये लड़के ऐसे ही होते हैं. यहाँ आ रखा है, बाकी कहाँ रखूंगा. ये बस अपना सही से एक एक ही चीज रखते हैं जो इस ड्रॉअर में भर करके रखते हैं अपने कच्चे. आज हम आपको दिखाएंगे कि मेरे पास क्या क्या ड्रेसेस है. पहले तो हम इस वार्डरोब को मिल करके इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो चलो देखते हैं ये बाहुबली कर पाते हैं या नहीं. मैं ज्यादा हैवी नहीं उठा सकती, ये बात याद रखना. चलो जी भाई बाहुबली. ये देखो प्रिंस ने क्या किया हुआ. ये सब प्रिंस ने किया है उनके चैलेंज वीडियो की वजह से. मेरा घर पूरा मैसी हो गया. ये देखो उन्होंने मेरे घर को कितना मैसी किया हुआ है. ये देखो गाइस, ये देखो, ये देखो पूरा अपना जिम का सामान, गद्दा वद्दा ये सब यहाँ रखा हुआ है. और सिर्फ इतना ही नहीं, ये देखो क्या ट्रेडमिल को ऐसे कपड़ा पहना के, पता नहीं क्यों ट्रेडमिल में कपड़ा कौन पहनाता है. ऊपर से देखो कपड़े कैसे, देखो घर की हालत इतनी हुई है. ओह माय गॉड, लो ट्रेडमिल पे कपड़े रखते हैं. हम लोग इसे शिफ्ट करते हैं फिर आपसे मिलते हैं. तब तक के लिए सो जाओ. सो गाइस अभी रूम को समेटने के लिए मैं तैयार हूँ कैमरा पकड़ के. फ्रेंड्स का व्लॉग बनाऊंगी और वो ये सारे डंबल्स पहले तो उठा करके बाहर रखेंगे. बारिश की वजह से हमने अंदर रख दिया था, अब बारिश बंद हो गई है तो ये सारे डंबल्स उठा के हम बाहर रखने वाले हैं. अब ये तो मैं उठा नहीं सकती, मैं फ्रेंड्स की इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती. मैं बेड ठीक करने में हेल्प कर दूंगी बट आपको ये तो आप ही को उठाना पड़ेगा ना. शिफ्टिंग तो आज
24 घंटा हम लोग करने वाले हैं। बीच में आपको ब्यूटी टिप्स देना चाहती हूँ, अगर आप लोग हेयर में शाइनिंग और स्मूथिंग चाहते हैं तो दो तरीके की चीजें मैं आपको बताऊंगी करने के लिए, वो आप कर सकते हो। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपके बाल इतने अच्छे कैसे हैं, आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो एंड ऑल, बट मैं बता दूं मैं कोई भी एक प्रोडक्ट नहीं यूज करती हूँ, मैं प्रोडक्ट चेंज करती रहती हूँ। एक प्रोडक्ट से जब मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ कि हाँ ये वर्क करता है नहीं करता, रिव्यू कर देती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा चेंज कर लेती हूँ। तो अगर आपको ये बजट में अफोर्डेबल हेयर मास्क ढूंढ रहे हो तो मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ जो आपके हेयर को स्मूथ करेगा और शाइन करेगा। एक तो बनाना वाला हेयर मास्क होता है, गुड वाइब्स का है, ये आपके हेयर को शाइन करने में बहुत अच्छा होता है। और दूसरा है एप्पल साइडर विनेगर, जो हेयर को स्मूथनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वो प्रॉपर स्ट्रेट हो जाए बाल, ऐसी स्मूथिंग मतलब ऐसे स्मूथ हो जाए बाल, ऐसी वाली स्मूथिंग। और इन दोनों के अंदर पैराबेन केमिकल SLS नहीं है और बहुत ही बड़े कंटेनर में आता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। इन दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, ना बहुत ज्यादा रनिंग है ना बहुत ज्यादा थिक है, मीडियम कंसिस्टेंसी का है। तो एक बार आप शैम्पू कर लेते हो, पूरा शैम्पू निकाल लो बालों में से, एंड देन उसके बाद आप ये हेयर मास्क लगा करके 15-20 मिनट के लिए बालों को ऐसे छोड़ दीजिए, एंड देन आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे तो अगले ही दिन आपके बाल सॉफ्ट सिल्की शाइनिंग स्मूथ हो जाएंगे। बनाना जैसी खुशबू आती है बनाना वाले में से, और एप्पल साइडर विनेगर में से भी अच्छी खुशबू आती है, साथ ही साथ वो आपके डैंड्रफ को भी ट्रीट करता है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपको शाइनी हेयर चाहिए तो बनाना ट्राई कीजिए, अगर आपको हेयर स्मूथिंग चाहिए तो एप्पल साइडर विनेगर प्लस डैंड्रफ से को भी वो हटा देता है। तो दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां क्लिक करके अपने लिए परचेज कर सकते हैं। अब करते हैं घर की तैयारी। शिफ्टिंग Hi cutie pie, आप लोग कैसे हो? Say hi to my viewers. Hi. बाहुबली ने उठा दिया है सारा जम। और ये क्या हो गया, कपड़े कहाँ गए आपके? शिफ्टिंग चल रही है, इधर से घर उधर, उधर से सामान इधर, इधर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाय बाय बाय, सब सामान सामान। तो कपड़े निकालते ही मैंने यार, टू तो टी-शर्ट अपनी वेस्ट कर दी, जैसे सैंडो और फटी जींस, है ना? थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बनती जाएगी, हाथ खुल जाएंगे, उसमें ये है बातें बहुत करते हो। अरे बाप रे, बातें बहुत करते हो चड्डा जी। लाल मैं भी चड्डी पर करता हूँ। ये क्या था, ये क्या था, सीरियसली फ्रेंड्स? चड्डी ऊपर कर लेता हूँ, हर व्लॉग में चड्डी का जिक्र होना जरूरी है क्या? चड्डी बोलो तो चड्डी। तुम पति हो या बच्चे हो, तुम हो कौन? मेघना। इतना मुंह टेढ़ा कैसे कर लेते हो प्रिंस? रामलीला चल रही है, धनुष उठाते हैं वो ऐसे मुहाना करते थे रामलीला में ना। क्या हो गया, ढैंग दे ढैंग दे, ढैंग निकल गया तुम्हारा तो। चोट लग जाएगी बाबू, चोट लग जाएगी। पसीने आ गए तुम्हें तो, बहुत सारे पसीने आ गए। अब क्या उठाना है बताओ, उठाओ क्या उठाना है? उठाना है, तोड़ना नहीं है। अच्छा, चलो उस रूम में चलो, गेस्ट रूम में चलो। ये मैं फेंकूंगा अंतरिक्ष में यहाँ से। बाबू क्या हो गया तुम्हें आज? शक्तिमान। ये देखो, क्या देखे? ये देखो, क्या देखे? सिल्वर, अब देखो ये टायर पिलाएंगे हम, शिफ्ट करना है उधर। करो खाली, करो निकालो अपने कपड़े, निकालो
अबे और कितने निकालू वो अंदर से अंदर वाले कपड़े। प्रॉपर सेंटेंस बोलो, अलमारी में जो कपड़े हैं वो अंदर से बाहर रखो, कपड़े निकालो। दिन में नहीं कुछ गाइज मैट्रेस यहाँ निकाल दिया है और पूरा वार्डरोब वहाँ से उठा के यहाँ कर दिया है। अभी खा लिए और अभी दिखाने कपड़े गए कहाँ? आराम से। और ये है बेड, खुलने के बाद ये दो फटियाँ निकली है इसमें से। ये अलमारी गाइस बहुत अच्छी है, होम सेंटर से लिया था हमने, जो बहुत सही लगती है, बहुत स्पेशियस है, सब कुछ आ जाता है इसमें। पता है इस अलमारी में क्या क्या था? चलो दिखाते हैं आपको। सो गाइस ये सारे कपड़े थे प्रिंस के अलमारी में और अब इसको एक एक को फोल्ड करेंगे, तय बना के अलमारी में रखेंगे। ये काम ऐसा लग रहा है बाबू शिफ्टिंग कर रहे हम। हाँ, देखो ना अभी इस घर में आए हैं। बहुत सारा शूट कर रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा, ये काम भी खत्म नहीं होके दे रहा। तो चलो मिलते हैं, ये सब काम हो जाएगा उसके बाद ब्लॉगिंग करेंगे, क्योंकि ब्लॉगिंग के चक्कर में फिर हमारा ये काम अधूरा रह जाएगा। सो गाइस एक बैड न्यूज है कि हमारा ये जो बेड है ना ये जा नहीं पाएगा। ये हमारा मैट्रेस है और ये हमारा बेड है जो कि हमने पीछे रख दिया यहाँ पे। ये बेड का हेडबोर्ड है, ये जा नहीं पाएगा। पर बजट बहुत ज्यादा है जो कि हमारे अंदर नहीं है, पर महंगा पड़ जाएगा सामान। तो ये सब बेड की पट्टियां हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इसको अभी यही रखते हैं, बाद में कभी शिफ्ट होंगे तो काम आ जाएगा। तो ये प्रिंस एलमीरा के पीछे रख रहे हैं। बहुत भारी मन के साथ ये मैं नहीं भेज पा रही मेरे मायके, बट कोई बात नहीं। और आ जाओ प्रिंस। हाँ बस इतना स्पेस काफी है। प्रिंस ने जो हमारा बेड था वो पूरा यहाँ पे खिसका दिया है, लाइट्स लगा दी ऊपर, देखो क्या चमक रही है। वाह, प्रिंस ने क्या दिमाग लगाया है और लाइट्स को यहाँ फिट कर दिया है। ये पीछे क्या है? या पीछे नजर ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? अरे नया मोबाइल इस्तेमाल करना सीखो। इधर आप कह सकते हैं लगेगा आपको एक क्वीन साइज के बेड की लकड़ियां इतनी सारी। गाइस ये रूम पहले से बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, मेरी आवाज भी गूंज रही है। और यहाँ या फिर वहां पे हम रखेंगे एक सोफा कम बेड, तो बेडरूम गेस्ट रूम कम ऑफिस रूम 3-in-1 रूम बन जाएगा ये। सो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी इसको डेकोरेट करना रहता है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। वाह, तो फाइनली ट्रेडमिल की जगह ये प्रिंस ने डिसाइड की है, तो यहाँ रखेंगे। अब यहाँ ट्रेडमिल पे वार्म अप करो, फिर यहाँ पर इंक्लाइन बेंच मारो, फ्लैट बेंच मारो, फिर इधर आ जाओ यहाँ पर डंबल्स करो। सो गाइस इस वाले चेयर को हम ऑफिस में लेके जा रहे हैं, वहाँ ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ सब कुछ व्हाइट है, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा। तो आज ये फिर से घूमता हुआ पहुंचेगा ऑफिस में, पूरे रूम के चक्कर काट चुका है, इसका भी ट्रैवल व्लॉग होना चाहिए। ये मैट्रेस की जगह कहीं और फिट नहीं आ रही थी, तो फिलहाल हमने यहाँ पे खड़ा कर रखा। और ये भी एज अ डिजाइन बुरा नहीं लग रहा है। गाइस बेड पीछे आ गया है पूरा अच्छी तरह, ये हमारा टेबल पे लगा हुआ है मैक को, डेस्कटॉप वगैरह दोनों, स्टूडियो लाइट वहाँ लग गई है, जब यूज करना होगा तब यूज कर ली जाएगी। चेयर हटा के एक यहाँ पर फ्लावर पॉट लगाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। रेखा को और रेखा का नाम लिया, और रेखा आजी वाओ चेयर के साथ।
अपनी लग्जरी चेयर वहाँ से उठा के स्टूडियो से यहाँ लेके आ गई हो बाबू, अच्छी लग रही हो वैसे तो, और ब्यूटी शॉट तुम्हारा। मैं तो तैयार करा के काम करा। वाह। और हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं गाइस, ये ब्लैक कलर बहुत ही बकवास लग रहा है इन ये सारे अवार्ड्स के सामने, तो प्लीज आप लोग जाओ रेखा वर्सेस ट्विंस को सब्सक्राइब करो, हम बहुत ही जल्दी कर लेंगे 1 लाख क्रॉस अगर आप आओगे तो, एंड देन यहाँ सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा और फटाफट से ब्लॉग चैनल को मिस्टर एंड मिसेस ट्विंस को भी गोल्डन दिलवा दो यार, ये सब आपके हाथ में है, तो आओ सब्सक्राइब करो, जो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, आप करोगे तो हमें अवार्ड मिलेगा और अपने अवार्ड को हम इस तरीके से सजाएंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा ना, ये अवार्ड सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा, मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस के सारे सब्सक्राइबर्स के लिए भी होगा, वी नेचुरल के पास है, ब्लॉग में नहीं, दैट्स रियली सैड गाइस, कोई नहीं आ जाएगा, आ जाएगा गाइस, इस साल का टारगेट रखा है हमने कि मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो ही जाएंगे, तो मेरी हेल्प करो इस एम को पूरा करने में। सुबह से लगे हुए हैं दोनों के दोनों, थक चुके हैं और रेखा का चेहरा देखे तो लग रहा है कि थके ही नहीं, कुछ किया आपने यहाँ बताओ, कमेंट करके बताओ, कोई बात नहीं। रेखा वर्सेस प्रिंस पे सैटरडे वीडियो आने वाली है 6 बजे, जो शूट हो गया है और आज एडिटिंग चल रही है हमारी, सो गाइस आप जरूर देखना, इसमें भी आपको बहुत मजा आएगा और इस तरीके का चैलेंज भी लास्ट बार करूँ, मैं नहीं करूंगी दोबारा से, नहीं करूँ तो जाके देख लो आप लोग, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं घर की हालत क्या है, 24 घंटे शिफ्टिंग चल रही है, अभी ये देखो क्या लुक निकल के आया है, अभी टाइम कितना है, रात के बजे है 10:20, 10:20, देख सकते हो पोर्टले के अंदर कपड़े हैं, यहाँ सब कुछ सामान है, ये सूटकेस है, और सामने है मेरा चांद का टुकड़ा, वाह ये ब्यूटी शॉट, 24 घंटे रिकॉर्ड बनने वाला है फिलहाल, बाबू ये पकड़ो क्या फिलहाल रिकॉर्ड तो ये बनने वाला है। अब कोई कह सकता है कि 2 दिन पहले मैं मोटा दिख रहा था, अब देखो मैं यहाँ पतले हो गए, आज सुबह इतना काम किया कि पतले हो गए, चलो डिनर का टाइम हो रहा है गाइस, चौबीस घंटे हम अपने होम का ट्रांसफॉर्मेशन ही करते रहेंगे और अभी भी रहता है, कल सुबह तक चलेगा, आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, पार्ट 2 कल आ जाएगा, बाय गाइस, गुड नाइट।